नमस्कार, पांच शहर पांच खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश से पांच बड़ी खबरें आज आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पांच तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे व्यापक एंटरप्राइजेस की, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ रेड मारी है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने वाली है। तीसरी खबर में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन आने के बाद मध्य प्रदेश में किन लोगों को ये सबसे पहले दी जाएगी। चौथी खबर महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए राहत भरी है। तो वहीं पांचवी और आखिरी खबर नीमच जिले के जावत से है, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बदतर हो गई है। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां भोपाल समेत कई जिलों में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र मालवी नगर में व्यापक एंटरप्राइजेस पर भी शुक्रवार सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी। राजधानी के कई अन्य ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। भोपाल के साथ ही रायपुर में भी कंपनी के ऑफिस और अन्य ठिकानों पर छापा मारा गया है। जानकारी के मुताबिक ये छापा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद मारा गया। तो वहीं आयकर विभाग की टीम ने गोविंदपुरा थाना इलाके में स्थित व्यापक एंटरप्राइजेस के मालिक मुकेश श्रीवास्तव के घर भी छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान उनके घर और ऑफिस से कई दस्तावेज, ज्वेलरी, कैश और बैंक अकाउंट मिले हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सरकार में कंपनी को करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट का काम मिला था। छत्तीसगढ़ में भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट का काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग ठिकानों से करीब 30 अफसरों की टीम ने दस्तावेजों की जांच की। कंपनी का नाम व्यापक एंटरप्राइजेस है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर की टीम कार्रवाई कर रही है। वही छापामार कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने साफ किया है कि उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। और भी ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये जो छापामार कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक साथ, दोनों राज्यों में एक साथ इस कंपनी के खिलाफ छापामार कार्रवाई, इसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसे देखा जाए। जय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में छापेमार कार्रवाई की गई इनकम टैक्स द्वारा। पहले एक व्यापक इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिसके गोविंदपुरा और टीटी नगर स्थित घर और ऑफिस पे छापे मारे। इसी कंपनी के छत्तीसगढ़ में भी कार्यालय, वहां पे भी छापे मारे गए हैं। ये मुकेश श्रीवास्तव की कंपनी है। इस कंपनी को कांग्रेस शासन में, कमलनाथ की सरकार में करीब 180 करोड़ का लगभग ठेका दिया गया था विज्ञापन का जी। तो इस मामले में पिछले दिनों ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी आरोप लगाया था कि इस तरह से भुगतान किया एडवर्टाइजिंग कंपनियों को और इस कंपनी के साथ अन्य को जो दिया गया था ठेके, उसमें गड़बड़ी हुई है। अब तत्कालीन प्रमुख मुख्य सचिव जो थे गोपाल रेड्डी, उन पर भी उंगली उठ रही थी इस मामले में। इससे माना जा रहा था कि इस कंपनी पर आगे जाके छापामार कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकम टैक्स की इस तरह की तैयारी रही होगी। इसके साथ ही दूसरी कंपनी विजन फोर्स पर भी छापा मारा गया है। ये इसके संचालक है संजय प्रगट, इनको भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में विज्ञापन के काम मिलते रहे हैं, ठेके मिलते रहे हैं जनसंपर्क से। ये दोनों कंपनियों पे छापामार कार्रवाई चल रही है। एमपी नगर में विजन फोर्स का 3 मंजिला दफ्तर है, जहाँ पे विज्ञापन से संबंधित काम होते हैं और अभी यहाँ पे कार्रवाई जारी है। सर, लेकिन इस मामले में क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट इस कंपनी को मिला, लेकिन अब जब छापामार कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तो ये साफ किया गया है कि हमारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के समय भी ये कंपनी काम करती रही थी। जय, निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये कहना एक तरह से ठीक है कि उनका सीधा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके सरकार में इन कंपनियों को काम दिए गए थे, ठेके दिए गए थे, जिनमें गड़बड़ी हुई है जी। इस कारण कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसी तरह भाजपा का आरोप थे कि इन कंपनियों से साठ गांठ रहती है, ऑन कागज इनका कोई लेना देना नहीं रहता या कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनकी अंदरूनी साठ गांठ होती है, जिससे इस कारण इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर ठेके मिलते हैं और काम ना करने के बावजूद उनको भुगतान कर दिया जाता है बड़े पैमाने पर। अभी सर, ये जो छापामार कार्रवाई हुई है, इसमें क्या क्या बरामद टीम को हुआ है और कब तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है?
जया ज्वेलरी बरामद हुई है बड़ी संख्या में, दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनकी छानबीन कर रही है बाकायदा 30 सदस्यीय टीम लगी हुई है जो उनके दस्तावेजों के एक एक रिकॉर्ड को चेक कर रही है, कितनी ज्वेलरी मिली है, कितना कैश मिला है, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। टीम जैसे ही पूरा एक इंक्लूड कर लेगी पूरा कि कितनी ज्वेलरी है, कितनी रकम है और किन किन जगह से और निकाली जा सकती है, और जो दस्तावेज मिलेंगे उसके अनुसार अन्य जगह पे भी छापेमार कार्रवाई हो सकती है उन रिकॉर्ड को देखकर। ये सब पूरा इकट्ठा करने के बाद इनकम टैक्स विभाग शाम तक क्लियर करेगा कि कितनी नकदी मिली है, कितने ज्वेलरी मिली है और कितने दस्तावेज और अन्य अचल संपत्तियां उनके पास मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर ये जानकारी साझा करने के लिए। तो व्यापक एंटरप्राइजेस मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इस कंपनी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और इसी के खिलाफ आयकर विभाग की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। 30 सदस्यीय टीम राजधानी भोपाल में टीटी नगर थाना क्षेत्र में मालवी नगर में व्यापक एंटरप्राइजेस के खिलाफ ये रेड मारी गई है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब खबर मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए है जिन्हें बिजली का झटका लग सकता है। बिजली की दरें 7% तक बढ़ाई जा सकती हैं। प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि कोरोना काल और उपचुनाव की वजह से सरकार भी नया टैरिफ लागू करने के पक्ष में नहीं बताई जा रही थी। 7 महीने तक मामला टलता रहा, सुनवाई भी नहीं हुई और अब उपचुनाव में सकारात्मक माहौल देख कर इस पर जल्द फैसला हो सकता है जो कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए झटके से कम नहीं होगा। राज्य सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है और इस साल 8 महीने में मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पावर मैनेजमेंट कंपनियों को 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करना है। एमपी में मौजूदा बिजली की दरें 50 यूनिट तक 3.85 रुपए प्रति यूनिट, 150 यूनिट तक 4.95 रुपए प्रति यूनिट और 300 यूनिट तक 6.30 रुपए प्रति यूनिट है, तो 300 यूनिट से ऊपर 6.50 रुपए प्रति यूनिट है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेलिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी कर ली गई है। यह एक हर साल सालाना प्रक्रिया है, हर साल बिजली कंपनियों को विद्युत नियामक आयोग से अपने अगले साल के रेट अप्रूव कराने पड़ते हैं और एक तयशुदा एक फार्मूला है इसका कि बिजली कंपनी अपने जो खर्चे हैं उस खर्चों के आधार पर अपने जो उपभोक्ताओं के बिजली के टैरिफ है उसका निर्धारण कराती हैं। वो कहती है कि हमको इतना घाटा हो गया है या इतने हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इतनी राशि का समावेश होना है, इस तरीके से। तो इसका भार ये आम तौर पर जब से विद्युत नियामक आयोग बना है तब से इसका भार लगातार उपभोक्ताओं पर पड़ता ही जा रहा है और सरकारें बाद में हाथ झटक देती हैं कि तो विद्युत नियामक आयोग ने रेट तय किए हैं, सरकार ने नहीं किए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यदि मैं बताऊं तो आयोग जब बना था शुरू में तो ये जरूर कहा गया था कि धीरे धीरे अगले 3-4 साल के बाद बिजली की दरों में कमी आ जाएगी, उपभोक्ताओं को इसका फायदा होना शुरू होगा क्योंकि विद्युत नियामक लगातार बिजली कंपनियों को ये कह रहा था कि वो लाइन लॉस जो है ट्रांसमिशन लॉस है उसको घटाएं, वो गैर जरूरी जो उनके खर्चे एस्टेब्लिशमेंट के उसको कम करें। लेकिन कंपनियों ने वो सब कम करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों के साथ एमओयू कर दिया बिजली खरीदने को लेकर, जिसमें एक बड़ी रकम उनको बिना बिजली लिए हुए देने पड़ती है मध्य प्रदेश में, तो उसके कारण एक अतिरिक्त भार बिजली कंपनियों पर पड़ता है और इसकी भरपाई करने के लिए वो हर साल टैरिफ बढ़ाकर आम उपभोक्ता की जेब काटने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस पूरे के बीच में यदि हम ये कहें सरकार किसानों को और गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, यदि हम कहें पिछली कमलनाथ सरकार की बात करें तो उसने इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई थी कि 100 यूनिट 100 रुपए में, तो वो जो एक बड़ा डेडलॉक इससे जो घाटा हुआ बिजली कंपनियों को उसकी भरपाई भी यहाँ पर होनी है। जो संबल योजना चल रही है शिवराज सरकार की उसके कारण बिजली कंपनियों को खासा नुकसान हो रहा है, तो इस सब की भरपाई करने के लिए कंपनियां जो सामान्य उपभोक्ता है उसकी टैरिफ बढ़ाती है लेकिन सरकार बाद में सब्सिडी देती है किसानों के लिए, जो जितना टैरिफ इंक्रीज होगा उतनी सब्सिडी सरकार किसानों को गरीबों को दे देती है, उन पर कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन सामान्य उपभोक्ता की कहें तो उस पर जरूर इसका आर्थिक भार पड़ने की संभावना है। जी जया, बिल्कुल सामान्य उपभोक्ताओं पर सर आर्थिक भार पड़ेगा और ये भी एक बड़ा कारण है जो बताया जा रहा है कि उपचुनाव थे इसलिए राज्य सरकार इस फैसले को टालने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन अब जब उपचुनाव हो चुके हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को झटका देने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। जय देखिए, ये जो आम तो वैसे तो ये जो टैरिफ पिटीशन इनकी दाखिल होनी थी ये
जब कोरोना आया था उपचुनाव के मतलब जब सरकार बदली बदलने के पहले ही दाखिल होनी थी कमलनाथ सरकार जब थी तो, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार ने वो टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने से बिजली कंपनियों को रोक दिया था। और अब जब कोरोना के बीच का एक दौर चला जिसमें लॉकडाउन का पीरियड था, अब अनलॉक हो चुका है, तो अब चूंकि बिजली कंपनियों को लगभग 7-8 महीने में उनका घाटा और बढ़ गया है, 2000 करोड़ का घाटा तो उनका ही है और अनुमानित घाटा और करीब 1000 करोड़ और इसमें इंक्रीज हो चुका होगा, तो उसको लेकर अब नियामक आयोग में ये लगाया गया। अभी विद्युत नियामक आयोग इन याचिकाओं को लेगा, उसकी छानबीन करेगा, उसके बाद इसको लेकर आम जनता से, आम उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता जो है उद्योग वाले, उन सब की राय सुनेगा, उसके बाद नियामक आयोग एक अपना पिटीशन पर एक टैरिफ निर्धारण करेगा और उसके आधार पर फिर इन दरों को बाद में लागू किया जाएगा। जी शुक्रिया सर ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है, यानी बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका बिजली का लग सकता है और उनकी जेब पर बोझ इसका जरूर पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना की, जहां देश में कोरोना की कई वैक्सीन पर ट्रायल इस वक्त चल रहा है। नए वर्ष में महामारी के खिलाफ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्करों को बांटी जाएगी। इसके बाद रेवेन्यू, पुलिस समेत अन्य को ये वैक्सीन मिलेगी। फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है और उसी को देखते हुए प्रदेश में कोल्ड चेन विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के तहत जिलों के लिए नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी वैक्सीन की तैयारियां कर लें। बैठक में बताया गया कि कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गया है, एक्टिव प्रकरण की संख्या भी 7756 रह गई है और होम आइसोलेशन में कोरोना के 53% मरीज हैं, इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पतालों में 17% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि निजी अस्पताल मरीजों से ज़्यादा पैसे ना लें। वहीं कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने के मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले आए तो वैक्सीन भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। और वो आए तो पहले वैक्सीन ये चुनाव में कहा था इन्होंने, और मध्य प्रदेश के लिए वैक्सीन एक ही है, वो है कमलनाथ जी, जो ठप हो गया है मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से हर तरह से, उसको अगर उभार के कोई ला सकता है तो वो कमलनाथ जी ला सकते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो पहले स्वास्थ्य कर्मी को बांटेंगे, फिर उसको सूत न कपास और जुलाहों में लट्टन लट्टा। अभी दुनिया में कहीं वैक्सीन बनी नहीं है लेकिन लोगों को बेवकूफ़ पहले दिन से बना रहे हैं, और कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। 7 महीने में 12,500 करोड़ रुपए लोन लिया, इसके पहले भी जब 15 साल सरकार रही तो इन्होंने 23,000 से 2,00,000 करोड़ तक का ओवरड्राफ्ट, और आज अभी जो पैसा लिया है इसमें एक एक व्यक्ति पे 34,000 का कर्जा हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कोरोना की वैक्सीन पर हर देश में अलग अलग ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन आप देखिए राज्यों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ भी मुफ्त में वैक्सीन देने की बात की गई है। सबसे पहली बात तो क्लियर कर दे यहाँ पर कि बिहार में जब बीजेपी ने कहा कि कोरोना के फ्री वैक्सीन देंगे तो उसको चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई गलत घोषणा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घोषणा कर सकती है। पहली चीज पॉलिटिक्स तो हर चीज पर होनी है, लेकिन जहां तक संभावना ये है कि 2021 में कोरोना का वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अनुरूप ये तय किया गया है कि पहले जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद 50+ जो आम लोग हैं उनके बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सारी चीजें अभी संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया के जितने भी मेडिकल फील्ड से जुड़े रिसर्चर्स हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े जितने भी साइंटिस्ट जो ग्रुप्स हैं, सारे के सारे लगभग मेरे ख्याल से 96% से ज्यादा उन लोगों में से कोरोना के वैक्सीन पर ही रात दिन काम कर रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है कि वैक्सीन को इस वायरस को लेके पहले जो कई चीजें पता नहीं थी अब वो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं, उसके कई नए रूप उसके सामने आने लगे हैं, ये होने लगा है कि लोगों में इसके
कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं, जबकि पहले ही केवल सिम्टम्स बेस्ड बीमारी वायरस माना जा रहा था जी। तो ये सब रिसर्च का ही नतीजा है, तो ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस रिसर्च से इतनी जिन्होंने स्टडीज से इतनी नई चीजें सामने आ रही है, उन्हीं के जरिए कोरोना का वैक्सीन भी तब तक अवेलेबल हो जाएगा। और इसको एक तरीके से अगर हम कहें कि बी पॉजिटिव वाला मामला है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव इस सोच के जरिए भी आप ये देखें कि साइकोलॉजिकल कोरोना का असर बहुत ज्यादा इस दुनिया में फैला हुआ। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि लोगों में जो पहले सिम्टम्स होते थे सर्दी जुकाम के, गले में हल्के से खराश के, उसके मुकाब मतलब उसको पहले लोग जितना सीरियसली नहीं लेते थे, अब वो डर के साथ उसको बहुत सीरियसली ले लेंगे। तो डर जो होता है वहां पे इंक्रीज करता है किसी भी बीमारी को, वेदर इट्स फिजिकल और इट्स मेंटल इट्स साइकोलॉजिकल इवन। तो उस स्थिति में यदि कोरोना वैक्सीन बनने की बात चल रही है, अगर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 तक, जनवरी 2021 तक इसका वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि इससे लोगों के भीतर कोरोना से लड़ने का एक साहस पैदा होगा। लोगों के भीतर ये बात आएगी कि जनवरी तक हम और थोड़ा संभल कर अगर रह लें तो इसके प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। तो साइकोलॉजिकल इसको हम अच्छे पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव पर्पस में इसे लिया जा सकता है, पॉजिटिव इसे कहा जा सकता है खबर, क्योंकि भले अभी कोरोना वैक्सीन नहीं आई लेकिन उसकी तैयारी भी सरकारों की तरफ से कर ली गई है। 2021 में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2021 में वैक्सीन आएगी, तो किसे किसे मध्य प्रदेश में मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, ये तैयारी सरकार अभी से इसमें जुट गई है। बहुत शुक्रिया आपका सर ये जानकारी साझा करने के लिए, इस बातचीत के लिए। और महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है, अब सब्जी मार्केट में प्याज आलू समेत सभी हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से नीचे आ रहे हैं। महज 5 दिनों में आलू और करेला को छोड़कर प्याज समेत सभी हरी सब्जियों के दाम 25% से लेकर 70% तक घट गए हैं। प्याज के दामों में अचानक गिरावट का कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉक लिमिट को माना जा रहा है, लेकिन नासिक से प्याज की आवक दुगनी होने से भी दाम एकदम से कम हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं की माने तो शीत ऋतु में हर साल हरी सब्जियों की भरपूर आवक होती है, इसलिए ग्राहकों को सीजन में पूरे साल से कम दामों पर सब्जियां मिलती हैं। इस बार मानसून की देरी से विदा होने के कारण स्थानीय फसलों के आने में देरी हुई। पूरे अक्टूबर में इस बार हरी सब्जियों की स्थानीय आवक कम थी, ज्यादातर हरी सब्जियां महाराष्ट्र और राजस्थान से आ रही थी और इसके उलट दूसरे राज्यों में फसलें खराब होने के कारण प्याज यहां से बाहर भेजी जा रही थी, इसलिए सभी सब्जियों के दाम अक्टूबर में आसमान पर थे। हालांकि नवंबर के पहले हफ्ते में स्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। रतलाम की तरह खंडवा भी प्रदेश का प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्र बन गया है। और हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अर्धवरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, अक्टूबर में जहां सब्जियों के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे, गृहिणियों के किचन से कहीं ना कहीं सब्जियां गायब हो गई थी, लेकिन नवंबर आते आते अब महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, क्योंकि हरी सब्जियों का सीजन है और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाने को मिलेगी। निश्चित तौर पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जब से आवक शुरू हुई है, क्योंकि आवक कम थी, चाहे महाराष्ट्र से आने का हो चाहे अन्य जगह से आने का, आवक कम थी, इसलिए आलू हो चाहे प्याज हो चाहे टमाटर और चाहे हरी सब्जियां, दाम आसमान छू रहे थे, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं थी। और ऐसे में जब दाल वगैरह पहले से ही महंगी थी तो सब्जियां भी आदमियों को रुला रही थी, खासतौर पर प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक गई, लेकिन अब 25 से 30 रुपए प्याज के दाम हो गए हैं, आलू भी सस्ता हुआ है, टमाटर भी सस्ता हुआ है, साथ ही साथ हरी सब्जियां जो काफी महंगी थी वो भी सस्ती हुई हैं। और अब निश्चित तौर पर कहेंगे नवंबर के माह में ये जो सस्ती हुई हैं सब्जियां, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल शुक्रिया आपका अंकुर जी जानकारी साझा करने के लिए। तो 25% से 70% तक सब्जियों के दाम कम हो गए हैं, हरी सब्जियों का अब बाजार में आने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है, जिसके चलते अब सब्जियों की जो पहले रेट थे, जो दाम थे, उनमें बहुत तेजी से कमी आई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीमच जिले की, जहाँ जावत में कहने को तो सरकारी अस्पताल बना है लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राम भरोसे है। जावत शासकीय चिकित्सालय में पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भी लोगों को नीमच जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। ऐसा एक वाक्या शासकीय चिकित्सालय में हाल ही में देखा गया, जहां पर जावत के बरखेड़ा गांव निवासी एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। उसका पीएम कराने के लिए जावत चिकित्सालय लाया गया, लेकिन परिजन घंटों शव को लेकर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठे रहे।
पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आखिर उन्हें नीमच की तरफ ही जाना पड़ा। ऐसी कई असुविधाएं इस स्वास्थ्य केंद्र पर बनी हुई है। जब अनादि टीवी की टीम ने इस विषय को लेकर पदस्थ डॉक्टरों से चर्चा करनी चाहिए तो किसी ने जवाब नहीं दिया और सभी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अस्पताल के पीछे पहले पीएम होता था, लेकिन आज वहां गंदगी का अंबार है। चारों तरफ घास और गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं की सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पे पोस्टमार्टम कराना, आपको कितनी देर हो गई यहाँ बैठे? एक घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नीमच ले जा रहा हूँ। कहाँ से हुई मौत, कैसे, क्या हुआ? करंट लगने से। कहाँ लगा करंट? ये जावली। क्या काम काम करने गए थे क्या? काम करने। क्या नाम है इनका? रतनलाल। और नंद किशोर धमानी हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नंद किशोर, जब यहाँ पर शासकीय चिकित्सालय का निर्माण किया गया है तो क्या सुविधा देना सरकार या जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं वो भूल गए, क्योंकि पोस्टमार्टम तक की सुविधा यहाँ पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जो मामला है जावत चिकित्सालय का है, जहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है पूरी लड़खड़ाई हुई है। यहाँ पर कोई भी असुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही है। जो परिजन, जैसे कि कोई दुर्घटना वगैरह कुछ भी हो जाती है, जब उसका शव पोस्टमार्टम करने के लिए लाया जाता है तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और लोगों को दो दो तीन तीन घंटे इस स्वास्थ्य केंद्र बिताने पड़ते हैं। उसके बाद उनको निराशाजनक जवाब मिलता है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होगा और उन्हें नीमच ले जाना पड़ेगा। जी जी हाँ। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं, क्या उनसे बातचीत हुई कि आखिर यहाँ पर क्यों पोस्टमार्टम रूम का निर्माण नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहाँ पर पहले होता था पोस्टमार्टम, पीएम होता था, वहां भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदारों की उदासीनता का ही खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह की जो जावत हॉस्पिटल के हालात बने हुए बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जब हम किसी जिम्मेदारी अधिकारी से संबंधित चर्चा करते हैं तो वो इस मामले में जवाब देने से कतराते हैं, और हमने जब वहां के पदस्थ महिला डॉक्टर गोयल से चर्चा की तो उन्होंने जवाब देने में कतराई मैडम, और उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी तो ऐसे में किससे जाके सवाल पूछा जाए नंद किशोर जी, जब जिम्मेदार डॉक्टर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं तो फिर सवालों के जवाब कौन देगा? जी इसी संबंधित मैंने आज सुबह ही सीएचएमओ नीमच को फोन भी लगाया था, जो इस संबंधित जानकारी पर अवगत, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो पोस्टमार्टम है वो होना चाहिए, मगर ये क्यों नहीं हो रहा, मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका नंद किशोर ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन शासकीय चिकित्सालय का निर्माण कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं या नहीं इसका ध्यान रखना जिम्मेदार अधिकारी भूल गए। डॉक्टरों से जब बात की जाती है तो वो भी इस मामले में बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर एक बड़ा बजट केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सरकार की तरफ से सैंक्शन किया जाता है। इसी के साथ पांच शहर पांच खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।